गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे टू डायमेंशनल मोशन। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग 2D मोशन कहेंगे। मोशन इन ए प्लेन फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल, इफ फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ पार्टिकल वी नीड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, सच मोशन ऑफ पार्टिकल is called motion in a plane or 2D motion. Example of 2D motion, फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। सम जनरल टर्म्स के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले डेल्टा आर यानी पोजिशन वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर टू माइनस डेल्टा आर वन। यदि स्टूडेंट्स इसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें, तो ये बनेगा डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा वी टू माइनस डेल्टा वी वन। अगेन अगर डिफ्रेंशिएट कर लें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा ए इक्वल टू बन जाएगा डेल्टा ए टू माइनस का डेल्टा ए वन। यह स्टूडेंट्स हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यह हमारा वेलोसिटी वेक्टर, यह हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर। फोर्थ पॉइंट में स्टूडेंट्स यदि हम लोग पोजीशन को लिखने जाए एक्स इक्वल्स टू या पोजीशन आर इक्वल्स टू आर वन का स्टूडेंट्स अगर हम लोग एज्यूम कर लें एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, एंड आर टू का एज्यूम कर लें एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, तो जो स्टूडेंट्स हमारा आर वेक्टर बनेगा वो बनेगा कितना, देखें आर टू माइनस आर वन। इसी को लिखने का तरीका होगा स्टूडेंट्स एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप।
इसी आर को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है डेल्टा आर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। यदि स्टूडेंट्स इसे टाइम से डिवाइड किया जाए डिफ्रेंशिएट कर किया जाए तो ये बनेगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी ऑफ डी टी डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डी ऑफ डी टी डेल्टा वाई जे कैप। इसे स्टूडेंट्स लिखा जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। 6 पॉइंट, यदि स्टूडेंट्स इसे अगेन डिफ्रेंशिएट किया जाए तो डेल्टा डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी डेल्टा वी वाई जे कैप। इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे एक्सलेशन इक्वल्स टू ए एक्स डेल्टा ए एक्स आई कैप प्लस डेल्टा ए वाई जे कैप। What does mod of dv upon dt and differentiation of mod v divided by dt represent? अगर इसका स्टूडेंट्स हम लोग सोल्यूशन देखें तो dv upon dt यानी mod of dv upon dt तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है टाइम, ये रिप्रेजेंट करता है किसको स्टूडेंट देखिए एक्सेलरेशन को। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखा हुआ है बताइए एक्सेलरेशन। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ वी मॉड वी, ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वेलोसिटी एक्चुअल में लिखा है उसका मॉड, तो मॉड ऑफ वेलोसिटी, तो इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मॉड ऑफ वेलोसिटी जिसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं स्पीड यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा हुआ है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। नेक्स्ट है कैन दिस बी इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है डी वी बाई डी टी मॉड इक्वल टू एंड डी मॉड वी अपॉन डी टी, तो ये दोनों स्टूडेंट्स टू डिफरेंट टर्म्स हैं। तो इसका आंसर है दिस टू आर इक्वल
इन वन डायमेंशनल मोशन, इन वन डायमेंशनल मोशन, ये दोनों वन डायमेंशनल मोशन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड लिखा हुआ है कैन डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो व्हाइल मॉड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखे, ये तो लिखा हुआ है स्पीड और ये लिखा हुआ है क्या चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ऐसा कब होता है स्टूडेंट, देखिए स्पीड कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, जीरो, जबकि वेलोसिटी जो होता है स्टूडेंट्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। बट वेलोसिटी क्या होता है, वह वेरिएबल होता है, वह अपना डायरेक्शन बार बार क्या करता है, चेंज होता है, चेंज देयर डायरेक्शन, चेंज देयर डायरेक्शन। सो अगर ये वेरिएबल है तो मॉड ऑफ डीवी अपॉन डीटी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ऐसा कहां पे होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के अंदर। ओके नेक्स्ट है कैन डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट इक्वल टू जीरो व्हाइल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू कितना, जीरो। क्या इतना बराबर जीरो हो सकता है जब ये बराबर जीरो हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ देखो, यदि हमारा वेलोसिटी क्या हो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, जीरो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जीरो है, इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी यानी स्पीड जो होगा वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा, यानी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट कि स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड नॉट कांस्टेंट, ओके, यानी वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट और स्पीड नॉट कांस्टेंट। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस को। मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये रहा देखिए, थीटा को हम लोग मानते हैं एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा तीन केस हुआ, केस नंबर फर्स्ट यदि थीटा का वैल्यू जीरो हो और 180 डिग्री हो तो इस केस में पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए
ऐसे मोशन का स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशंस नाम देंगे। यदि इन बिटवीन कुछ भी हो जाए, यदि थीटा का वैल्यू अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, तब पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। इसमें देखिए क्या है स्टूडेंट, देखिए ये रहा वेलोसिटी और ये रहा एक्सलेशन, मान लेते वो थीटा एंगल, ये रहा एक्सलेशन। अब आप स्टूडेंट्स एक्सलेशन के कितने कंपोनेंट लेंगे, 2 कंपोनेंट। ये रहा एक्सलेशन का एक कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, और एक ये कंपोनेंट जो कि एक्सलेशन के क्या है, वेलोसिटी के क्या है, पैरेलल। आप यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और ये क्या है स्टूडेंट देखिए, ये लिखा हुआ कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन पैरेलल टू वेलोसिटी। अब यहां पे स्टूडेंट देखिएगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट provide curvilinear motion, circular motion and parallel component provide rectilinear motion इन कंबाइंड फॉर्म। इस तरह के मोशन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोजेक्टाइल नाम देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए किस तरह से हो रहा है, ये कोई एक्स एक्सिस रहा, ये हमारा वाई एक्सिस रहा, एक ऑब्जेक्ट है, सेमास कितने का, एम का, इसको एक स्पीड दिया गया, से कितना यू, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल से थीटा। जब इसको यहां से प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्टेड फ्रॉम कहां से, प्रोजेक्शन पॉइंट से यहां पे किससे दिखाया गया, ओरिजिन से। तो ये इसका क्या होगा, इसमें देखिए पाथ क्या होगा, इसका ये इसका क्या है, देखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां पे देखिएगा स्टूडेंट्स, तो हर एक पॉइंट पे, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, जी ऑलवेज किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, यानी एक्सलेशन लग रहा है डाउनवर्ड। इस पॉइंट पे भी देखिए जी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। एंड वेलोसिटी हमेशा क्या है, देखिए ये रहा वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एंड एक्सलेशन में हमेशा एंगल क्या हो रहा है, इसमें देखिए चेंज हो रहा है। यदि स्टूडेंट्स वेलोसिटी एंड एक्सलेशन में, यानी थीटा जो कि एंगल है, किसके किसके बीच में, देखिए
थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड ए। अब इसके साथ दो केस हो सकता है, या तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 होगा या ये थीटा लेस देन क्या होगा 90। अगर ये ग्रेटर देन 90 है तो मोशन जो होगा वो कैसा होगा, डी एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड हो जाएगा। डी एक्सेलरेटेड हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड होगा। यानी ये जो पार्ट होगा यहां से लेके यहां तक, कलर बदल लेते हैं, ये जो पार्ट होगा यहां से लेके यहां तक वो तो हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी कौन सा, डी एक्सेलरेटेड। और यहां से यहां हो जाएगा एक्सेलरेटेड। ओके, इस डायग्राम को हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यह ऑब्जेक्ट है, यू से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, मेकिंग विद सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ टर्म देखिए, ये जो टर्म होता है इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। ये जो स्टूडेंट्स हमारा हाईएस्ट टर्म हो गया, इस हाईएस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, मैक्सिमम हाइट। चूंकि यहां पे ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा है इसलिए इसका वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट हो जाएगा कितना, जीरो। ओनली वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट होगा जो कि किसके बराबर होगा, यू कॉस थीटा यानी यू एक्स के बराबर होगा। इसके स्टूडेंट्स यदि हम लोग कंपोनेंट लेते हैं तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा यो यू वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म आएगा, यहाँ से जब इसको उछाल करके फेंका जाता है तो ये अर्थ भी गिरता है और आने में जो टाइम लगता है यानी टोटल टाइम, टोटल टाइम, इस टोटल टाइम को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं टी यानी टाइम ऑफ क्या चीज, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो एक्स एंड वाई दोनों ही एक्सिस में हो रहा है, तो प्रोजेक्टाइल के सवाल को, प्रोजेक्टाइल मोशंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं दो हिस्से में, वन डी इन वाई एक्सिस प्लस वन डी इन एक्स एक्सिस। यानी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है कुछ इस तरह से जो हो रहा है, इसको हम लोग दो हिस्से में बांट देते हैं, एक हिस्सा हो जाएगा कुछ इस तरह से प्लस एक होगा कुछ इस तरह से, यानी दो मोशन हो गया। अब इसके स्टूडेंट्स यदि हम लोग कंपोनेंट देख रहे हैं तो यू एक्स इक्वल टू कितना नजर आया था, देखिए यू कॉस थीटा, एंड यू वाई कितना नजर आया, देखिए यू साइन थीटा। सिमिलरली आप देखेंगे तो ए एक्स बराबर होगा जीरो एंड एक्स ए वाई इक्वल टू होगा कितना, देखिए माइनस का जी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग मोशंस को कितने हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो ये हो गया दो टाइप के। सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं और एक मोशन को स्टूडेंट्स हम लोग मोशन इन एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन मोशन, और एक को बोला जाता है वाई डायरेक्शन मोशन। एंड हमें सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई एक्सिस
एंड आफ्टर डैट हम लोग इसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, मर्ज बोथ डायरेक्शन मोशन, बोथ डायरेक्शन इक्वेशन, बोथ डायरेक्शन इक्वेशंस, ओके मिला देंगे। अब देखिए यहां पे क्या है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पे नोट करेंगे, नोट में हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग टाइम ऑफ फ्लाइट वी यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। सेकेंड क्या है, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम हाइट वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई एक्सिस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई एक्सिस। थर्ड पॉइंट है, फॉर फाइंडिंग रेंज वी यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस में। एक एक करके स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड डिग्री का इक्वेशन वाई एक्सिस में लगाएंगे, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं एस वाई इक्वल टू जीरो हो गया, यू वाई का वैल्यू हो गया यू साइन थीटा इंटू टी, टी का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी इंटू में टी स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू नजर आएगा टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। वी नो डैट टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है किसके स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट बाई टू, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, जी के बराबर। ओके सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, सेकेंड हम लोग निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए स्टूडेंट्स हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन लगाना होता है, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस का टू ए वाई इंटू में एस वाई। यदि स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को लगाते हैं, वी नो डैट एट मैक्सिमम हाइट
वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट कितना होता है? जीरो। ये रहा जीरो, इसकी वैल्यू हो गया यू साइन थीटा स्क्वायर प्लस का टू ऑफ माइनस ए इंटू हाइट हो गया कितना एच। तो यहाँ से एच का फॉर्मूला नजर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना टू जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड डिग्री के इक्वेशंस को, यानी सेकेंड इक्वेशंस को, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग एक्स एक्सिस में अप्लाई करते हैं। तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। चूंकि एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो होता है, सो इसको स्टूडेंट्स हम लोग आर से लिखेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा यू एक्स। तो यू एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना स्टूडेंट देखे, यू कॉस थीटा इंटू में टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो वैल्यू नजर आएगा टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो कितना नजर आएगा देखे, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब स्टूडेंट सारे फॉर्मूला को अगर हम लोग एक जगह लिख दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं टू यू वाई डिवाइडेड बाई कितना जी। सेकेंड फॉर्मूला एच इक्वल टू लिखा जाए तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। तो इसको स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी। थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है टू यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी। ओके स्टूडेंट्स, इसी क्लास में स्टूडेंट्स यदि हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखें, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखें, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग और करके ऑब्लिक मोशंस भी कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। सेकेंड होता है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। थर्ड होता है हमारा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। फोर्थ है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब यदि स्टूडेंट्स हम लोग सबका डायग्राम बनाए तो फर्स्ट डायग्राम स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो जाएगा, यह फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को देखा जाए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से यह कोई टावर है, इस हाइट से किसी को स्पीड दिया गया से यू। थर्ड है हमारे पास देखिए इस टावर के हाइट से यू प्रोजेक्टाइल दिया गया है से हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाते हुए, या एंड करके एक टावर के हाइट से हम लोग पार्टिकल को इस तरह से फेंका जा सकता है इस एंगल से थीटा बनाते हुए। एंड लास्ट है फोर्थ
वो इंक्लाइन पे स्टूडेंट्स, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, इस बॉल को यहाँ से ऊपर की ओर फेंका जा सकता है ऐसे, यहाँ से अल्फा एंगल बनाते हुए। और फिफ्थ इसी का और पॉइंट है कि इंक्लाइन प्लेन में आप यहाँ टॉप से इसको आप बॉटम की ओर अल्फा एंगल बनाते हुए फेंकेंगे, तो ये मोशन कुछ इस तरह से होगा और ये मोशन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये है बॉटम टू टॉप, ये लिखा हुआ टॉप टू बॉटम। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। ओके तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए ये था हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। देखिए इसके लिए फर्स्ट हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, सेकेंड हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाले एंड थर्ड क्या निकाले हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका फॉर्मूला नजर आया 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसका फॉर्मूला नजर आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसका फॉर्मूला नजर आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक तरह से और लिखा 2uy अपॉन जी, इसे लिखा गया uy स्क्वायर अपॉन 2g, इसे लिखा गया 2ux uy अपॉन जी। ओके स्टूडेंट्स इसी में स्टूडेंट्स हम लोग नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, नोट पॉइंट क्या है स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट यदि ये हमारा एंगल है तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए यदि थीटा बराबर हमारा 30 है तो इसका जो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा 60 होगा, अगर थीटा 1 इतना है तो थीटा 2 इतना, यदि थीटा 1 मेरा 60 है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 30 डिग्री, यदि मेरा थीटा 1 5 डिग्री है तो थीटा 2 कितना होगा 85 डिग्री, यदि हमारा थीटा 1 45 डिग्री है तो थीटा 2 कितना होगा स्टूडेंट देखिए 45। वो ये सारे जो एंगल्स है स्टूडेंट्स वो कैसे एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसी को स्टूडेंट्स यदि हम लोग फर्स्ट पॉइंट में अगर मार्क करें सेकेंड पॉइंट में तो एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एट इफ टू प्रोजेक्टाइल, इफ टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड, if two projectiles are projected from same point of projection with same speed, with same speed at complementary angles, at complementary angles say theta and 90 degree minus theta, then first point क्या है देखिए t equals to कितना होता है 2u sin theta upon g। यदि स्टूडेंट्स हम लोग टी वन निकालने जाए तो 2u साइन थीटा बाय जी होगा, टी टू निकालने जाए तो ये बनेगा 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो ये बन जाएगा कितना देखिए 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ से देखिएगा टी वन डज नॉट इक्वल टू है क्या चीज़ देखिए टी टू, टी वन डज नॉट इक्वल टू टी टू।
सेकेंड पॉइंट इसी में देख रहे हैं, यदि हम लोग एच की बात करें तो एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एच वन अगर निकालना जाए तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, एंड एच टू इक्वल टू कितना होगा देखिए, यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना जी 2g। तो ये कितना हो जाए देखे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि h1 डज नॉट इक्वल टू कितना है देखे, h2। थर्ड पॉइंट क्या है देखे, रेंज की बात किया जाए तो r इक्वल टू कितना होता है देखे, 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। जैसे को लिखा जाए तो यह होता है 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि आर वन निकाले तो बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड आर टू जब निकालने जाएंगे तो यह बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यह बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यह बन के आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना जी। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि आर वन इक्वल टू क्या है, आर टू। यदि किसी प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से फ्रॉम द सेम प्रोजेक्टाइल एंगल पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ अगर फेंका जाता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कैसा आता है, इक्वल। सेम मान लीजिए ये अगर हमारा थीटा है और ये वैल्यू से हमारा कितना है देखिए 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों प्रोजेक्टाइल का, ये प्रोजेक्टाइल ऊपर से ऐसे जाएगा, दोनों का स्पीड को हम लोग एक जैसा मान लेते हैं u। अब दोनों प्रोजेक्टाइल में कहानी क्या होगा देखिए, मान लेते ये रहा फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, यहाँ गिरा, तो ये रहा हमारा सेकेंड प्रोजेक्टाइल से कुछ ऐसे, ये रहा फर्स्ट के लिए, यानी दोनों का आर वन इक्वल टू क्या होगा, आर टू। और यहाँ पे हाइट देखेगा तो ये हाइट होगा हमारा h2, तो ये हाइट क्या होगा h1। इसका समय लगेगा से t1, तो इसका समय लगेगा कितना देखे, t2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं किसके लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है और किसके लिए हाइट ज़्यादा हो रहा है, और दोनों का हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाता है, इक्वल। ये कब चलता है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में, ओके। सेकेंड है, सम टर्म्स एट पॉइंट पी इन टाइम टी ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब देखिए ये रहा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का डायग्राम, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये स्पीड, ये हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ, ये एंगल थीटा, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, से ये पॉइंट मान लीजिए क्या देखिए पॉइंट पी कितने समय में पहुंचा है, इन टाइम टी समय में। तो यहां से अगर हम लोग इस डायग्राम को यहां मिलाते हैं और इस एंगल को हम लोग अलग अलग तरह से नाम देंगे, तो मान लेते हैं इस एंगल को यहां पे हम लोग नाम दे रहे हैं अल्फा, क्या नाम दे रहे हैं अल्फा। तो इस पॉइंट पी पे
हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलेरेशन भी निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे वगैरह वगैरह। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग निकालते हैं क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग एक्स एक्सिस भी निकालेंगे, इक्वेशन लगाएंगे एंड इक्वेशन इन वाई एक्सिस भी लगाएंगे। तो देखिए इक्वेशन जब लगाते हैं एक्स एक्सिस में, ये बनता है यू एक्स प्लस का हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये वैल्यू तो हो गया जीरो, ये वैल्यू हो गया एक्स इक्वल टू, ये कंपोनेंट देखिए कितना, यू कॉस थीटा इंटू टी, इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट। अब सिमिलरली अगर हम लोग एस वाई लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा वाई इक्वल टू, यह हो जाएगा हमारा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए वाई इक्वल टू कितना नजर आएगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकेंड। जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, से डिस्प्लेसमेंट एस कह लो या और करके आर कह लो, ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, देखे एस और आर वेक्टर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, साथ में क्या चीज जे कैप। ये स्टूडेंट्स हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी। आप चाहो तो स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट कहाँ पे, पी पे। तो लिखने का तरीका सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, रूट अंडर आई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यू कॉस थीटा इंटू टी इसका स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स हम लोग एंगल अल्फा को निकालते हैं, अल्फा क्या है इसमें देखिए डायरेक्शन है ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो इसको लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स टैन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू पहले वाई कंपोनेंट, तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा इंटू में टी। ओके स्टूडेंट्स, अब फिगर में देखोगे तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दें, इस डिस्टेंस को माना गया है एक्स, इसको माना गया है क्या चीज वाई, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सेकेंड टर्म होता है स्टूडेंट्स वेलोसिटी एट पॉइंट पी। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है एट पॉइंट पी पे वो नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी। यदि स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंशिएशन करें, ये बन जाएगा यू कॉस थीटा इंटू में आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी क्या बन जाएगा, देखिए जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी एट पॉइंट पी। यदि स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर यू कॉस थीटा
स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखे स्क्वायर। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे स्पीड एट पॉइंट कहाँ पे पी पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यदि हम लोग टेन ऑफ फाइव निकालें ये बन जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय कितना यू कॉस थीटा। फाइव क्या है स्टूडेंट्स तो फाइव जो है स्टूडेंट्स वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट पी विथ किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ। जैसे आप देखिए डायग्राम में, डायग्राम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये रहा पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे ये रहा हमारा वी एक्स, ये रहा हमारा क्या चीज देखिए वी वाई। अब जो नेट मिलेगा स्टूडेंट्स वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, देखिए नेट वेलोसिटी कुछ इस तरह से, तो ये रहा हमारा वी पॉइंट पी पे नेट वेलोसिटी। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स इस एंगल को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं फाइव, क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट देखिए फाइव। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखिएगा तो वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो इसको बोला गया स्टूडेंट्स क्या चीज वेरिएबल। जब भी स्टूडेंट्स हमारा वेलोसिटी वेरिएबल होता है तो जब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस एट पॉइंट पी, तो निकालने का एक बेसिक सिंपल तरीका होता है डिस्टेंस इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉड ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम टी, मॉड ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम टी। ओके स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं फोर्थ पॉइंट मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम कौन सा मोमेंटम लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का स्टूडेंट्स लिखा जाता है पी इक्वल्स टू एम इंटू में वी। तो एट पॉइंट पी पे जब मोमेंटम लिखना हो तो मोमेंटम इक्वल्स टू लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स एम इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट पी, एम तो एम रहा एंड वेलोसिटी एट पॉइंट पी रहा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी और साथ में क्या लग जाएगा जे कैप। ये रहा स्टूडेंट्स मोमेंटम एट पॉइंट पी। सेवेंथ पॉइंट रहा स्टूडेंट देखिए टॉर्क एट पॉइंट पी, टॉर्क एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही बेसिक सिंपल तरीका है स्टूडेंट देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला था टॉर्क एट पॉइंट पी वो सिंपल हो जाएगा, यानी ओ से पी की ओर जा रहा है। देखिए टॉर्क एट पॉइंट ओ विद रेस्पेक्ट टू पी जब निकालने जाएंगे ओ से पी की ओर तो कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले ओ पी वैक्टर क्रॉस एक फोर्स लग रहा है एम जी, और एम जी किधर है देखिए डाउनवर्ड, तो जे कैप साथ में क्या लगेगा देखो माइनस का साइन, माइनस साइन। अब ओपी यानी क्या है स्टूडेंट देखिए डिस्प्लेसमेंट इनटू में माइनस का एम इनटू जी साथ में क्या लगेगा जे कैप। अब यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर लीजिए तो यू कॉस थीटा इनटू टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा इनटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर और साथ में क्या लगेगा देखिए जे कैप। अब इसका स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ माइनस का एम जी इंटू में जे कैप। वी नो डैट स्टूडेंट्स जे क्रॉस जे कितना होता है जीरो एंड आई क्रॉस जे कितना होगा। अब देखिए ये रहा एंटी क्लॉक वाइज को हम लोग फेवर करते हैं कैसा पॉजिटिव, ये रहा आई, ये रहा जे और ये रहा के एंटी क्लॉक वाइज आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा हमको के मिलेगा। तो देखिए क्या बनेंगे माइनस का यू एम इंटू जी या ऐसे लिख लीजिए एम इंटू जी
इंटू में यू कॉस थीटा इंटू में टी और साथ में क्या लग जाएगा देखिए के का। ये स्टूडेंट्स रहा हमारा टॉर्क एट पॉइंट ओ, किस पॉइंट के लिए देखा है तो पी पॉइंट के लिए देखा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर सिक्स। पॉइंट नंबर सिक्स है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं देखिए, एल ओ का पी के साथ जब देखेंगे तो ये बनेगा आर क्रॉस क्या चीज पी। अब आर का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग पुट कर सकते हैं आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप माइ ए प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, साथ में क्या लगेगा देखिए जे कैप, इसका क्रॉस करना पड़ेगा किसके साथ पी के साथ, तो एम इंटू अब वी लिखना है तो वी का मतलब हो जाएगा सिंपल यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी और साथ में क्या लग जाएगा जे कैप। अब आप स्टूडेंट्स यहां से क्या निकाल सकते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओके तो ये रहा एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट पी की बात कर दिए, कहाँ से तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट पी पे जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो उसका इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्या निकलता है फॉर्मूला निकल के आता है। ओके सेवेंथ नंबर पॉइंट स्टूडेंट्स, यदि हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालें, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स डेल्टा वी होता क्या है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यदि स्टूडेंट्स हम लोग दो पॉइंट ले, जैसे यहां पे देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग ये डायग्राम है हमारा, इस डायग्राम को अगर देखा जाए तो तीन पॉइंट मार्क करते हैं पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट क्या है स्टूडेंट देखिए सी। इस पॉइंट पे अगर आप स्पीड को देखोगे तो ये रहा यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, ये रहा यू वाई इक्वल्स टू कितना देखे यू साइन थीटा। इस पॉइंट पे देखे तो वेलोसिटी रहा यू कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट कितना होता है जीरो। यहाँ पे आइएगा तो इस तरफ कंपोनेंट होगा कितना देखे यू साइन थीटा और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा कितना यू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे देखा जाए, पॉइंट ए पे अगर वेलोसिटी को देखोगे तो ये बनेगा u cos थीटा i कैप प्लस का u sin थीटा j कैप। अगर आप वेलोसिटी को अगर देखा जाए b पॉइंट पे तो इसके पास सिर्फ रहेगा u cos थीटा क्या चीज i कैप। अगर वेलोसिटी एट पॉइंट c देखा जाए तो ये वेलोसिटी होगा u cos थीटा i कैप माइनस का u sin थीटा क्या चीज जे कैप। अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला जाए, चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला जाए कहाँ से कहाँ तक ए टू बी पे, तो कैसे निकाला जाएगा तो वेलोसिटी बी का माइनस करना पड़ेगा किससे वेलोसिटी ए से। अब चेक कीजिए बी का वेलोसिटी कितना है देखिए यू कॉस थीटा जे कैप या आई कैप माइनस के साथ यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। अब ये दोनों वैल्यू तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब बचेगा कितना देखिए माइनस का यू साइन थीटा जे कैप। ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स यदि हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी ए टू सी निकालें तो इसको लिखा जाता है वी सी माइनस का कितना वी ए, तो वी सी स्टूडेंट्स कितना देखिए यू कॉस थीटा आई कैप माइनस का यू साइन थीटा जे कैप।
माइनस के साथ u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। अब चेक की जाए तो कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे साइन से साइन, साइन हमारा जुड़ जाएगा एंड कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस का 2u sin थीटा, 2u sin थीटा इंटू में क्या चीज जे कैप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी को किसी भी पॉइंट पे यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स 8 नंबर, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी। इस डेल्टा पी को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है एम इंटू वी फाइनल माइनस का एम इंटू वी इनिशियल। यदि स्टूडेंट्स हम लोग एम को कॉमन कर ले तो ये रहेगा वी फाइनल माइनस का क्या चीज वी इनिशियल। क्या स्टूडेंट्स ये एम इंटू में ये तो डेल्टा वी है, क्या स्टूडेंट्स हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाले हैं, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं एम से तो वही स्टूडेंट्स हमारा क्या कहलाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स बताइए, चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाएगा। ओके 9 नंबर क्या है स्टूडेंट देखिए, सारे पॉइंट्स पे हमको स्पीड मालूम है तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनर्जी में स्टूडेंट्स तीन तरह की एनर्जी देखेंगे, फर्स्ट होगा काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हम लोग के इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर यूज करेंगे। सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी जिसके फॉर्मूला का स्टूडेंट्स यू से हम लोग लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा एम जी एच से लिखा जाएगा, किससे लिखा जाएगा एम जी एच एम जी एच। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को स्टूडेंट्स ई से लिखा जाएगा जो कि होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये स्टूडेंट्स एट पॉइंट बी पे लिखा जाए, अब बी कहाँ पे है तो बी है हमारा मैक्सिमम हाइट पे, तो ये स्टूडेंट्स हम लोग वहां पे अगर वेलोसिटी को देखें तो वह कितना नजर आएगा, वो आ जाएगा u cos थीटा होगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो सिंपल हो जाएगा हाफ m इंटू यू कॉस थीटा और उसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर होगा देखिए हाफ m इंटू यू स्क्वायर और साथ में क्या चीज cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स ये तो इनिशियल है, जैसे लिखा जा सकता है k इनिशियल इंटू कॉस स्क्वायर क्या चीज थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यदि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो इसे लिखा जाएगा एम जी एच, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा, एच की जगह उसका हाइट रखिए तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया जा सकता है एम जी इंटू एच की जगह टू यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कितना टू जी, ये वैल्यू पुट किया जा सकता है। टोटल एनर्जी जो होगा स्टूडेंट्स वो तो सिंपल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना पोटेंशियल एनर्जी, कोई डाउट नो सर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में सारे टर्म्स को हम लोग क्या कर पाते हैं कैलकुलेट कर पाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग एक पॉइंट मार्क करें, मान लेते हैं हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट का टी इक्वल्स टू 2u sin theta upon g, we know that sin theta equal to कितना होता है 1 जो कि हमारा कैसा होता है स्टूडेंट बताइए मैक्सिमम वैल्यू। तो sin theta का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है वो theta equal to कितने पे मिलेगा तो theta equal to 90 डिग्री पे मिलेगा, उस समय स्टूडेंट जो हमारा मैक्सिमम टाइम होगा वो कितना नजर आएगा देखिए 2u upon कितना g। यदि स्टूडेंट्स हम लोग ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पे अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट आता है ग्राउंड तक लौटने में 2u sin थीटा बाई जी। ओके सेकेंड क्या है देखिए, हमारे पास h इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। sin थीटा का स्टूडेंट्स
जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वह कितना होता है, वन, कहाँ पे, तो एट थीटा इक्वल टू कितना पे, 90 डिग्री पे। तो उस स्थिति में मैक्सिमम हाइट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2g, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2g। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रेंज का फॉर्मूला, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ डिवाइडेड बाई कितना, देखिए जी। तो साइन ऑफ 2θ इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा स्टूडेंट्स कितना, 1 एट 2θ इक्वल टू कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो दिस इंप्लाइज दैट कि थीटा इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, देखिए 45। यदि आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकते हो तो हमको मैक्सिमम रेंज मिलता है, और वो आर मैक्स का स्टूडेंट जो फॉर्मूला नजर आएगा वो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, देखे जी हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, जी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं जो कि हम लोग स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि एच का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, एंड आर का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन 2θ डिवाइडेड बाई कितना, जी। यदि स्टूडेंट्स हम लोग दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना बनेगा, एच अपॉन आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2θ डिवाइडेड बाई जी, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा साइन, नीचे में बचेगा 2 × 2 और साथ में कितना cos थीटा, तो एक्चुअल में बच रहा है कितना, देखिए tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 4। तो आप यहां से देखिए जो हमारा r का जो वैल्यू होगा h बटे r इक्वल टू आ गया tan थीटा अपॉन में कितना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r इंटू में tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4h। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे r इक्वल टू ये हो जाएगा 4h इंटू में क्या चीज cot थीटा, 4h इंटू में cot थीटा, 4h इंटू में cot थीटा, ये रिलेशन है किसके किसके बीच में स्टूडेंट्स, r का h के साथ। तो इसको स्टूडेंट्स बोला जाता है रिलेशन बिटवीन r एंड h, r एंड h के बीच में ये रिलेशन। ओके, यदि स्टूडेंट सिमिलरली यदि हम लोग रिलेशन बनाए, रिलेशन बिटवीन t एंड h के बीच में बनाए तो क्या बनेगा, देखिए t इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, एंड h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 2g। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 × u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, देखिए जी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी की जगह पे हम लोग एच का वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ये रहा 4 / g और यहाँ पे कितना जगह, देखिए स्टूडेंट्स एच, तो ये वैल्यू हो गया किसका, टी स्क्वायर का। तो यहाँ से टी का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स कितना होगा, देखिए 2√h बाई कितना जी, ये रिलेशन आ जाता है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग रिलेशंस भी फाइंड करते हैं, एच का टी के साथ, टी का आर के साथ, आर का टी के साथ, इस तरह से हम लोग रिलेशंस को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले x इक्वल टू हमको मिलता है u cos थीटा इंटू टी, यहां से स्टूडेंट्स यदि हम लोग टी का वैल्यू निकाले तो ये बनेगा x अपॉन
यू कॉस थीटा एंड वाई कॉस टू एक्सपर्ट हमें मिलता है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ प्लस नहीं होगा माइनस होगा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स यहां से हम लोग टी की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दें तो वाई कॉस टू क्या बनेगा देखिए यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू में एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इसका क्या होगा देखिए स्क्वायर तो y इक्वल टू स्टूडेंट्स u से u ये हमारा कैंसिल आउट हो गया तो ये बन जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट्स हमारा रिलेशन होता है इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और ये एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स डाउनवर्ड पैराबोला होता है। क्या होता है डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो पाथ ऑफ स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल कैसा निकल के आता है डाउनवर्ड पैराबोला। इसी इक्वेशन से स्टूडेंट्स जो क्या आया है एक्स टेन थीटा वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग x को क्या करते हैं कॉमन और साथ में tan थीटा को भी क्या कर लेते हैं कॉमन तो यहां से बचेगा 1 माइनस का हाफ tan थीटा कॉमन लिया तो tan थीटा से हमें क्या करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए तो यहां से एक x बच जाएगा डिवाइडेड बाय साथ में जी भी है देखिए cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर लो यहां पे क्या चाहिए देखिए tan थीटा। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा / cos थीटा तो sin थीटा से sin थीटा यानी cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल तो बचेगा 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा एक u बचा हुआ है u स्क्वायर तो 2 u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इस g को स्टूडेंट्स हम लोग डाउनवर्ड लेके आते हैं तो देखिए क्या बनेगा x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। इसे स्टूडेंट्स हम लोग आर के नाम से जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज तो एक्स इंटू टेन थीटा इंटू में वन माइनस एक्स अपॉन क्या होता है देखिए आर। तो ये जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल के जो पाथ है ग्राउंड टू ग्राउंड को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया फॉर्म सेकेंड और ये कौन सा फॉर्म है देखिए ये है फॉर्म फर्स्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को क्या किया कंप्लीट द एंड कौन सा हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके स्टूडेंट्स तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हमारा क्या हो गया यहां पे कंप्लीट हुआ। आप सब लोग स्टूडेंट्स इसके प्रॉपर नोट्स बनाए और इसे डे बाय डे रिवाइज करें। अगर कहीं पे भी आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पे लेकर आए। ओके स्टूडेंट्स अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए ओके नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।